गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे फास्टेस्ट रोटेशन रैक ट्री। व्हाट इज द फास्टेस्ट रोटेशन रैक, फास्ट रोटेशन रैक कब यूज करें, फास्टेस्ट रोटेशन रैक सेटिंग्स, फास्टेस्ट रोटेशन रैक के ऊपर प्रैक्टिस कैसे करें एंड रोटेशन रैक के ऊपर और भी बहुत कुछ। ओके सो यूट्यूब में फास्टेस्ट रोटेशन रैक के ऊपर लाखों वीडियोस पड़े हैं, जिसमें से कुछ वीडियो लॉजिकल है एंड कुछ वीडियोस इलॉजिकल एंड कुछ वीडियोस हमें समझ आता है एंड कुछ वीडियोस नहीं। बट डोंट वरी, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने रोटेशन रैक के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड करके रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो पहले आपको समझना पड़ेगा फास्टेस्ट रोटेशन रैक होता क्या है। तो एक होता है नॉर्मल रोटेशन रैक, जिसमें हम फायर बटन को नॉर्मली रोटेट करके ड्रैग करते हैं। एंड इस रोटेशन रैक को हम तब यूज करते हैं जब एनिमी एकदम लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज में होता है तब। दूसरा होता है फास्ट रोटेशन रैक, जिसमें हम फायर बटन को क्विकली रोटेट करके ड्रैग करते हैं। एंड इस रोटेशन रैक को हम तब यूज करते हैं जब एनिमी एकदम क्लोज रेंज में रहता है तब। सो आई थिंक आप समझ गए फास्टेस्ट रोटेशन रैक होता क्या है। तो अब इन दोनों रोटेशन रैक को मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं एंड बताता हूं कौन सा रोटेशन रैक आपको कब यूज करना है। सो इस वीडियो के लिए मैं आप देख सकते हो मैं फायर बटन को नॉर्मली रोटेट करके ड्रैग कर रहा हूं, बिकॉज एनिमी मिड रेंज में है। एंड यहां पे मैं अगर फायर बटन को फास्टली रोटेट करके ड्रैग करूंगा तो मेरा एम एनिमी के हेड के ऊपर चला जाएगा। एंड इस वाले वीडियो के लिए मैं आप देख सकते हो मैं फायर बटन को फास्टली रोटेट करके ड्रैग कर रहा हूं, बिकॉज एनिमी यहां पे क्लोज रेंज में है। अगर यहाँ पे मैं फायर बटन को नॉर्मली रोटेट करके ड्रैग करूंगा तो मेरा एम एनिमी के बॉडी में स्टक हो जाएगा, बिकॉज एनिमी यहाँ पे क्लोज रेंज में है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया है कि आपको फास्ट रोटेशन रैक कब यूज करना है एंड नॉर्मल रोटेशन रैक कब यूज करना है। सो ट्रिक को हम 4 स्टेप में समझेंगे, जिससे आसान होगा आप लोगों के लिए समझना। तो फर्स्ट स्टेप में आपको एक जंप करना है, आप जब भी फास्ट रोटेशन रैग यूज करने जाओ आपको एक जंप लेना है। सेकेंड स्टेप में आपको एम को सेट करना है, बट एम को रेड नहीं करना है, व्हाइट एम का यूज करना है, बिकॉज आप क्लोज रेंज में एनिमी को हेडशॉट मारने जा रहे हो इसलिए। थर्ड स्टेप में आपको फायर बटन को क्विकली रोटेट करना है एनिमी के पोजीशन के हिसाब से। आप लेफ्ट साइड रोटेशन रैग यूज करना चाहते हो या फिर राइट साइड रोटेशन रैग, इसके हिसाब से आपको फायर बटन को क्विकली उसी साइड में रोटेट करना है। एंड फोर्थ स्टेप में आपको सिर्फ जॉयस्टिक बटन को पीछे की तरफ खींच देना है रोटेशन रैग मारते टाइम, इससे हेडशॉट लगने का चांसेस 200% इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस दिस इज द फास्टेस्ट रोटेशन रैक ट्री। बट अगर आप नूब वॉक का यूज करके फास्ट रोटेशन रैक यूज करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप में जंप की जगह नूब वॉक करना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। ओके सो अभी मैं आपको फास्ट रोटेशन रैक मारने का एक इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ, जो है फायर बटन पोजिशन। कुछ प्लेयर्स फायर बटन को साइड में या फिर नीचे की तरफ रखता है, जो बिल्कुल गलत है। इससे आप कभी भी फास्ट रोटेशन रैग नहीं मार पाओगे। एंड रोटेशन रैग मारने के लिए फायर बटन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको पता ही है। सो आपको फायर बटन को बिल्कुल यहाँ पे रखना है, ज्यादा नीचे भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं। एंड फायर बटन के साइज को आप अपने थंब के हिसाब से सेट करें, किसी का वीडियो देख के या फिर किसी का फायर बटन साइज कॉपी करके नहीं। बट अगर आपको परफेक्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन सेट करना नहीं आता तो आप इस वीडियो में जस्ट फायर बटन कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो गाइस आपको पहले स्टक एम एंड रिकॉइल एम के ऊपर प्रैक्टिस करना है। रोटेशन ड्रैग मारते टाइम आपका एम एनिमी के बॉडी में स्टक हो रहा है या फिर एम एनिमी के हेड के ऊपर जा रहा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा।
एंड अगर आप इन दोनों थिंग्स को एक बार समझ लोगे एंड इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका रोटेशन रैक परफेक्टली वर्क करेगा किसी भी गन में। सो पहले आपको ट्रेनिंग मोड के अंदर प्रैक्टिस करना है, फिर आप गेम में ट्राई कर सकते हो। तो सिंपली ट्रेनिंग मोड के अंदर जाओ, आपका कोई भी फेवरेट गन चूज करो, देन टारगेट सेटिंग्स पे जाके क्वांटिटी को 1 करो एंड डिस्टेंस को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देन आपको पहले नॉर्मल रोटेशन रैक के ऊपर प्रैक्टिस करना है एंड एम स्टक और रिकॉइल प्रॉब्लम को समझना है, फिर आप फास्टेस्ट रोटेशन रैक के ऊपर प्रैक्टिस करना। ओके, सो अभी आपको प्रैक्टिस करने का ट्रिक बताता हूँ। लाइक यहाँ पे आप जब भी रोटेशन ड्रैग मारने जाओ, आप अपने एम के ऊपर फोकस करना। रोटेशन ड्रैग मारते टाइम क्या आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर जा रहा है या फिर एनिमी के बॉडी में स्टक हो रहा है, इसको आपको नोटिस करना है। तो अगर आपका एम एनिमी के बॉडी में स्टक हो रहा है तो आपको प्रेशर ड्रैग एंड ड्रैग डिस्टेंस को इनक्रीज करना पड़ेगा। एंड अगर आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर जा रहा है तो आपको थोड़ा लो प्रेशर ड्रैग एंड थोड़ा लोअर ड्रैग डिस्टेंस का यूज करना है। लोअर ड्रैग, प्रेशर ड्रैग, ड्रैग डिस्टेंस, कुछ समझ नहीं आ रहा है ब्रो, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। गाइस रोटेशन ड्रैग के पार्ट 1 में मैंने इस चीज को बताया है, लोअर ड्रैग, प्रेशर ड्रैग, ड्रैग डिस्टेंस क्या होता है, सब कुछ मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। तो आपको इसके लिए पार्ट 1 को देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले देख लो। ओके, सो जब भी आप इन चीज को समझ जाओगे आपका रोटेशन ड्रैग वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। देन आप ट्रेनिंग मोड के अंदर ही फास्टेस्ट रोटेशन ड्रैग के ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बट अगर आपको रोटेशन रैक प्रैक्टिस के ऊपर और भी डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जस्ट प्रैक्टिस टाइप करो, मैं बहुत जल्द इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बट अगर आपने इस वीडियो में कमेंट किया तो